सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। एक काम करता हूँ, जी अब आई थी, अब आ रही थी। जब आपने वो खांसी की है उस वक्त आ रही थी, अब दोबारा थोड़ी कम हो गई है। अब आ रही है आवाज। हाँ जी अब बिल्कुल ठीक है। आप बताएं जी, आवाज आ रही है? जी सर अब बेस्ट है, अब बिल्कुल ठीक हेलो, है। जी सर अब बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज आ आवाज। रही है? आवाज आ रही है अब निशान? जी सही सर आ रही मैं है बोल रहा हूँ माइक पे? आपको, आप मेरी हाँ, आवाज नहीं मुझे आ रही। आपका भी पता लगे ना। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर अब आ रही है मेरी आवाज आपको। दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हमने देखा था लीज। लीज में दो कैटेगरीज हैं, लेसर लेसी। और लेसर में हमारे पास है फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज में सिंपल लेसर, डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर। फिर यहाँ पे फाइनेंस लीज और शॉर्ट टर्म, लो वैल्यू एसेट्स, ये सॉर्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीज की तरह है। हमने फाइनेंस लीज में सिंपल लेसर डीलर मैन्युफैक्चर कर लिया, ऑपरेटिंग लीज कर लिया, ये कर लिया। अब ये रह गया लास्ट, ये करने लगे। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास तीन मेजर कैटेगरीज है फाइनेंस लीज की। नंबर वन, नंबर टू, नंबर तीन। इसमें इनिशियल एंट्री डिफरेंट है, बाकी आगे सारा क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू, स्केड्यूल, एक्सट्रैक्ट, एंट्री सब सेम है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे इनिशियल एंट्री कैसे फर्क है। जब हमने लीज लाइबिलिटी, देखें मैं एक बैंक के पास गया, मैंने कहा जी मैंने कार लीज करवानी है। अब बैंक है लेसर, लेसर की हम अकाउंटिंग कर चुके हैं। अब मैंने मैंने लीज पे लेनी है। अब मैं हूं लेसी, अब मैं अपनी प्रेजेंट वैल्यू या इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे कैलकुलेट करूंगा? जो मैंने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, नंबर वन, वो जैसे नॉर्मली होता है, लेस इंसेंटिव रिसीवेबल अगेंस्ट रेंटल। जब लीज का स्टैंडर्ड चेंज हुआ था तो लेसी की अकाउंटिंग मेजर, उसमें मेजर चेंजेज आए थे। फॉर एग्जांपल, मेरी लीज की इंस्टॉलमेंट है हर साल 1 लाख। लेसर मुझे कहता है कि यार तुम मुझे टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स देते रहना, 10% काम देना हर दफा। रिसीवेबल हर इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट का इंसेंटिव। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, मेरे लिए रेलेवेंट है 90,000। अगर हर इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट मुझे लेसर इंसेंटिव रिसीवेबल की ऑप्शन देता है और वो हर इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट मिलेगा, तो मैं उसको क्या कहूंगा, क्या करूंगा उसके साथ, इन इंस्टॉलमेंट में से उसको लेस कर दूंगा। जीआरवी हमें पता है ऐड करते हैं, परचेज ऑप्शन ये भी हमें पता है ऐड करते हैं। यहां पे लेसी में है कि अगर लेसी ने ये टर्मिनेशन की तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। हमने पेनल्टी, अगर उसकी अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको भी हम ऐड करेंगे। फिर कुछ वेरिएबल अमाउंट्स होती हैं डिफरेंट रिजल्ट्स के ऊपर, उनको भी हम ऐड करेंगे। तो अगर हम पुरानी पैटर्न को देखें तो इंस्टॉलमेंट्स, जीआरवी, परचेज ऑप्शन। नॉर्मली ये हमारे पास तीन चीजें होंगी, हम इनको ऐड कर रहे होंगे, इनकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे और हमारे पास लीज लाइबिलिटी की फिगर आ जाएगी। अब चूंकि मैं लेसी हूं, लीज लाइबिलिटी तो मैं करूंगा क्रेडिट, डेबिट क्या करूंगा,
लीज्ड एसेट। लीज्ड एसेट का नया नाम है राइट ऑफ यूज एसेट। लीज एसेट का वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, वर्ड यूज करेंगे राइट ऑफ यूज एसेट। एसेट डेबिट होगा क्योंकि लेसी के पास एसेट आया है। एसेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। पहले बताएं ये तीन चार चीजें क्लियर हैं। जी क्या ये क्लियर है? हेलो जी भाई। सर, जी आपको चलो आवाज नहीं आ रही भाई? जी, आ रही आ रही। ओके, ठीक एंट्री हमने कर दी लाइबिलिटी क्रेडिट एसेट डेबिट यहां पे, और जो लेसर की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फर्क है यहां पे, एडवांस पेमेंट्स को एज इट इज ऐड करते हैं इनिशियल एंट्री के लिए। लेसी में एडवांस या डाउन पेमेंट्स जो हैं, जो स्टार्ट में मिलेंगी, उनको लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हुए इग्नोर करना। यानी कि अगर स्टार्ट स्टार्ट ऑफ द लीज टर्म पेमेंट्स हो, तो जो पहली एडवांस पेमेंट मिलेगी हम वो लाइबिलिटी में नहीं लेकर जाएंगे। उसके साथ क्या करना है, उसको आगे देते हैं। यानी कि फर्क क्या आया, इनिशियल एंट्री का फर्क बता रहा हूं ना। इनिशियल एंट्री में यहाँ पे फर्क आया कि जैसे वहां पे हम एडवांस पेमेंट्स को, जैसे हम फार्मूला भी बनाते हैं, एडवांस पेमेंट्स डाउन पेमेंट्स प्लस रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स, यहाँ पे एनुइटी फैक्टर लगेगा, यूनिक पेमेंट्स, यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर फार्मूला लगेगा, एरियर। ये फाइनेंस लीज में लेसी की ये इररेलेवेंट हो जाएगा। लीज लाइबिलिटी की कैलकुलेशन में एडवांस पेमेंट डाउन पेमेंट इररेलेवेंट हो जाएगा, हमने इसको अकाउंट फॉर नहीं करना। क्या ये बात क्लियर है? इनिशियल एंट्री, क्या ये बात क्लियर है? जी जी ठीक है सर। अब देखो, अगर हम एडवांस पेमेंट इसमें शामिल नहीं कर रहे, तो हम इसको लीज के स्केड्यूल में भी नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि हमने तो प्रेजेंट वैल्यू उसके बगैर कैलकुलेट की होगी। तो डे वन पे पहली इंस्टॉलमेंट जैसे लेसर में होती थी, वो यहां वहां पे हम प्रेजेंट वैल्यू में इस चीज को ऐड करते थे, इसलिए स्केड्यूल में फिर जो प्रेजेंट वैल्यू होती थी इसको लेस करते थे। अब प्रेजेंट वैल्यू में इसको हम ऐड ही नहीं कर रहे, तो इसलिए जब यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे, तो फिर स्केड्यूल में भी नहीं लेकर जाएंगे। क्या ये क्लियर है? आगे चले। जी सर, चले आगे। अच्छा जी, जब हम लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें हमने एडवांस या डाउन पेमेंट्स नहीं ली। लीज राइट ऑफ यूज एसेट कैसे कैलकुलेट होगा? लीज लाइबिलिटी जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, नंबर वन वो, नंबर टू डाउन पेमेंट, इसकी एंट्री क्या होगी? राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अगर मैं उस वक्त एंट्री करता लीज लाइबिलिटी में, तब भी यही होना था, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट। उसने क्या किया, उसने सिर्फ यहां से इस क्रेडिट में से वो कैश वो अमाउंट निकाली और इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया कैश एंड बैंक को। तो डाउन पेमेंट की, एडवांस की हम एंट्री करेंगे डायरेक्ट एसेट में लेकर जाएंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये इसका है नहीं, इसको एंड पे देखते हैं। ये मेरा एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। इसके बाद इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अगर मेरी कोई लगती है, तो एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। एस्टिमेटेड अमाउंट डिसमेंटलिंग, अगर किसी ने इफरेक वन यानी के प्रोविजनिंग पढ़ी हुई है, तो जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग होती है, उसको भी एसेट में हमने क्या करना है, ऐड करना है। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। तो हुआ क्या, लीज लाइबिलिटी में ये इनिशियल एंट्री कर रहे हैं, आगे तो गेम सेम है। लीज लाइबिलिटी में अगर मोटा मोटा देखें, इंस्टॉलमेंट्स, जीआरवी, परचेज ऑप्शन, ये नॉर्मल हम करते हैं। सिर्फ यहां से एक्सक्लूड करना है एडवांस या डाउन पेमेंट को, वो यहां पे आ गई।
ये लीज लाइबिलिटी का टोटल ये यहां पे आ गया, डाउन पेमेंट यहां पे आ गई, ये डायरेक्ट डाउन पेमेंट एसेट में आ जाएगी। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट या प्रोविजन आती है वो भी एसेट में आ जाएगी। इनिशियल कॉस्ट लगती है तो ये बैंक क्रेडिट होगा, और ये प्रोविजन है तो प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगी। तो हमारी नेट करके एंट्री क्या बनेगी, जितनी हमने इससे कैलकुलेट की है ये लीज लाइबिलिटी बन गई। लीज लाइबिलिटी की फिगर भी एसेट में आ गई, डाउन पेमेंट की फिगर भी एसेट में आ गई, एडवांस या डाउन पेमेंट की फिगर एसेट में आ गई, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट एसेट में आ गई, प्रोविजन भी एसेट में आ गई। तो एसेट में ये चार चीजें शामिल होंगी। जब ये इनिशियल एंट्री हो गई, आगे गेम वैसे है जैसे चलती। इनिशियल एंट्री तक कुछ सवाल तो पूछे। जी सर, मेरा सवाल है सर, इसमें तो हमने ये डाउन पेमेंट ऐड ही नहीं करनी थी, ये फिर हमने बाद में क्यों ऐड की है अभी? प्लीज एसेट में ऐड करनी है ना। अच्छा देखो देखो, एक काम करते हैं, एक काम कर, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, रुको जरा, उससे मजीद क्लियर होगी। उसने सिर्फ डेबिट क्रेडिट के हेड चेंज किए। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, 10,000 के साथ ये इंस्टॉलमेंट है एडवांस, ठीक है, एन है 3, रेट है 10, एन कर लेते हैं 5, कैलकुलेट करते हैं 1+0.1 रेज टू पावर, एडवांस है तो एन माइनस हो जाएगा 1, 4.1 × 10,000, और डाउन पेमेंट डायरेक्ट 10,000। इसका जरा आंसर बताएं। मैं भी कैलकुलेटर निकालता हूं, आप भी निकालो। -4, 1 - आंसर, हाँ जी, क्या आंसर है, क्या यही तो नहीं, 41,698 यही है कि मैंने गलत कैलकुलेट किया? राउंड ऑफ का है, जी राउंड ऑफ का इश्यू है। जी मतलब यही है ना, 1-2 रुपए की खैर है यार। जी अच्छा अब देखो, इस अमाउंट की, इसमें मैंने डाउन पेमेंट शामिल की है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। एंट्री क्या होगी, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट 41,698 से, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 41,698 से। जी सर, स्टैंडर्ड ने कहा है, स्टैंडर्ड ने कहा है कि ये एडवांस पेमेंट इसमें से निकाल दो। एडवांस पेमेंट के बगैर मेरे पास क्या बच जाएगा, 31,698। अब मैं एंट्री करूंगा राइट ऑफ यूज एसेट 31,698 डेबिट, लीज लाइबिलिटी 31,698 क्रेडिट। अब ये जो एडवांस पेमेंट है इसकी मैं एंट्री करूंगा राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट 10,000 से, कैश 10,000 से। तो बेसिकली एसेट इतनी ही अमाउंट से हुआ है। सर अच्छा सुनो सर सुनो, लाइबिलिटी रुक जा रुक जा, अभी मुझे कंप्लीट करने दे। जब एडवांस पेमेंट होनी थी, क्या एंट्री होनी थी, लीज लाइबिलिटी डेबिट 10,000 से, कैश कैश क्रेडिट। क्रेडिट। उसने ओके इस ओके एंट्री ओके, को समझ गया दरमियान में से निकाल दिया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया सर। तो दस ओके हजार ओके निकल के सर, उसने 31,698 की ही बननी थी वैल्यू। और ये देख, कैश कर, जी जी सर, अगर देखना आप दोनों तीनों एंट्रीज को नेट करें तो यही बनेगी, यही बनेगी जी ना, जी जी ठीक जी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर एंट्री 1 हो या एंट्री 2 हो तो नेट करके क्या एंट्री बनेगी, राइट ऑफ यूज एसेट नेट हो करके गया, ही नहीं, राइट, मैं अभी करूंगा राइट। पूरा, 698 से डेबिट, लीज लाइबिलिटी 31,698 से क्रेडिट, कैश जी दस सर, हजार से क्रेडिट। तो इन दोनों एंट्रीज का टोटल यही बन रहा है, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, ये मैंने नहीं किया, सेंडर ने करवाया। वो कहता है एडवांस को लीज लाइबिलिटी में नहीं लेकर जाना, आप एडवांस के बगैर लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करें, एडवांस को डायरेक्ट एसेट में ले जाएं और कैश क्रेडिट करते हैं, दैट्स इट। पहले भी एक कैश क्रेडिट होता था, तो ये एंट्री उसने साइड पे करवा दी बस। जी अब मेरे ख्याल में इतनी बहस के बाद ओके हो गया होगा क्लियर। ओके हो गया सर जी, ओके 6 पॉइंट ओके हो गया। जी अगर इन इनिशियल एंट्री क्लियर हो गया, फिर तो हम समझो लीज खत्म कर चुके हैं। जीशान भाई
जी सर, क्लियर है। जबरदस्त यार, आगे देखते हैं क्या है जी। ये एडवांस पेमेंट के मैंने बता दिया। अब जब मैं लेसी हूं, यानी कि मैंने लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है विदाउट डाउन पेमेंट, उससे मैंने एक एंट्री की एसेट डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, फिर तीन चीजें एसेट में आएंगी। कलर कॉम्बिनेशन यूज करने से फायदा होता है ना, एक दो तीन, इससे एसेट डेबिट और ये तीनों क्रेडिट। सिंपल ये याद रख लें, ये इनिशियल एंट्री हो गई, ये इनिशियल एंट्री करनी है, यानी कि लीज लाइबिलिटी से एसेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, और इन तीन चीजों से एसेट डेबिट और ये तीनों चीजें क्रेडिट, दैट्स इट। क्या ख्याल है? ये इतना तो याद रह जाएगा हमें ना। सर जी आखिरी वाली, जबकि आखिरी वाली की एग्जांपल दे दें, कौन आखिरी सी? वाली ये डिसमेंटलिंग असल है कि डिसमेंटलिंग आप ऑफ एसेट्स। लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप मरी जाते हैं पिकनिक पे, नहीं, आपने वहां पे प्लांट लगाना है। मरी की हुकूमत कहती है कि भाई हमारे यहाँ पे दरख्त हैं, आबो हवा है, फलां है फलां है फलां है। ये हुकूमत से इजाजत ले लेते कि हमने 5 साल के लिए यहाँ पे प्लांट लगाना है, जो माहौल की आलूदगी माहौल में आएगी, हम दरख्त काटेंगे, दरिया खराब होंगे, पानी खराब होगा, हम इसको रीस्टोर करके जाएंगे 5 साल के बाद। तो जो 5 साल के बाद एक कॉस्ट इनकर होनी है, उसकी आज प्रोविजन बना ली जाती है, उसको एसेट में ऐड कर देते हैं। ये इफ्रेक वन में हम डिटेल से पढ़ेंगे। समझ आ गई बात कि कहीं पे जाके आप इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, तो आप ये कमिटमेंट करते हैं हुकूमत के साथ कि जब हम इसको यहां से क्लियर करेंगे तो इन्वायरमेंट जैसे पहले था वैसे रिस्टोर करके जाएंगे। अब जब आप मरी के में जाएंगे, आपको कुछ दरख्त काटने पड़ेंगे, आपका वहां पे धुआं निकलेगा फैक्ट्री से, उससे इन्वायरमेंट खराब होगा और पोल्यूशन फैलेगी, जानवर इफेक्ट होंगे, पानी इफेक्ट होगा। तो जब आपने उस प्लांट का वो जो टारगेट होगा वो अचीव करने के बाद जब वहां से जाना है, उस जगह को वैसे रिस्टोर करके जाना है जैसे वहां पे पहले थी। लेट्स से कि इस पे 5 लाख का खर्चा आना है 5 साल बाद, आज मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के प्रोविजन बना लू और इसकी एंट्री करूंगा ऐसे डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। और यही चीज इफ्रेक वन में हमारे सिलेबस में है, ये इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जी। एम आई क्लियर दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, बच्चियों, बेटियों? ठीक सर जी क्लियर। है सर जी। इसके लिए सर सस्टेनेबिलिटी ना, जी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग वाला सीन हो जाएगा ना सर। यार, मुझे अकाउंटिंग आती है, मैंने अकाउंटिंग के हिसाब से बता दिया ओके ओके है। बात सर जी, ओके सर जी, ओके समझ आ गया? रीस्टोर करना है एक जगह का, जो जगह आप खराब कर रहे हैं, जाते हो वो जगह ठीक करके जाएंगे, उस पर जितनी फ्यूचर में कॉस्ट लगेगी आज उसकी प्रोविजन बना लेंगे जी। क्लियर है जी सबको? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का तो पता है ना, कमीशन पे किया, ब्रोकरेज पे की, फलां पे किया फलां पे किया, एक्स्ट्रा छोटी मोटी कॉस्ट। जी सर, आज हमारा मेरे ख्याल में ट्रायल्स का भी आखिरी दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीज खत्म भी हो जाएगा जी। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। बाद में देखो, आपने अब अपने पास बहुत सारी कहानियां करा के लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड कर लिया, अब एसेट आपके पास है, अब लेसी है, अब उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करें। और डेप्रिसिएशन के यहाँ पे फॉर्मेट ऐसे नहीं है कि आप डेप्रिसिएशन को अलग रखें, एसेट को अलग रखें, आपने एसेट को चार्ज करें। अब इसकी लाइफ कौन सी होगी, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि लाइफ दो आ रही होगी, एक लीज टर्म आ रही होगी, एक यूजफुल लाइफ आ रही होगी, ये एक साइंस है, इसको समझते हैं। अगर तो एसेट लेसी के पास चला जाएगा लीज खत्म होने पे, या ऑप्शन है कि लेसी इसको खरीद लेगा, इन दोनों में से एक होगा, फिर आपने यूजफुल लाइफ पे एसेट को डेप्रिशिएट करना। अगर इन दोनों में से कोई नहीं होगा, फिर जो पहले लाइफ खत्म हो जाएगी ये उसके ऊपर यूज करना है। लेट्स से हम कहते हैं जी यूजफुल लाइफ हमारी 10 साल है, लीज टर्म हमारी 9 साल है। अब अप्लाई करते हैं, रंग तब्दील करके अप्लाई करते हैं।
मैं कहता हूं इन दोनों में से एक ऑप्शन है या ट्रांसफर हो रहा है, लेट्स से पहला ट्रांसफर हो जाएगा, यूजफुल लाइफ आई विल गो विद 10। दूसरा मैं कहता हूं ट्रांसफर नहीं है, उसने खरीद लेना है, आई विल गो विद यूजफुल लाइफ 10। जब ये दोनों नहीं होंगे ऑप्शन, फिर क्या करना है? फिर जो पहले लाइफ खत्म होगी किस में से, इन दोनों में से, अब क्या बनेगी? ये बनेगी, यही एग्जांपल ऐसे भी हो सकते हैं कि यूजफुल लाइफ 10 साल है, लीज टर्म 12 साल है। अब इनमें से पहले कौन सी खत्म हो रही है यूजफुल लाइफ? तो यहां पे तो क्लियर कट है इन दोनों ऑप्शन में से यूजफुल लाइफ। ये ऑप्शन जब ये दोनों, ये वाली दोनों कंडीशंस मेंशन ना हो, तो फिर जो लाइफ पहले खत्म होगी वो यूजफुल लाइफ भी हो सकती है, वो लीज टर्म भी हो सकती है, उस पर आपने एसेट को डेप्रिशिएट करना है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट्स के जहन में जाता है। क्या ये हम समझा पाए या समझ पाए? जी जी बताएं सर, जो लेसर की जो ऑपरेटिंग लीज होती है उसमें वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है लेसर अपनी? जी जी, लेसर की जो ऑपरेटिंग लीज होती है, तो लेसर जो एसेट है वो हमेशा ये 16 के अंडर डील हो रहा होता है। लीज में तो गया नहीं ना, वो तो किराए पे दिया है, एसेट उसी की ओनरशिप में है, वो आई 16 पे चला रहेगा। जी क्या ये क्लियर है? जी क्लियर है सर जी। दूसरा दोस्त क्लियर क्लियर क्लियर। चलो जी, और कोई समझ भी आ रही है कि मैं कल्ला बोली जा रहा हूं? नहीं सर, आ रही है समझ। आ रही है सर जी। कहते हैं जी अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होगा तो ये पूरी क्लास पे अप्लाई होना चाहिए, ये आई 16 कहते हैं, ये हमें पता है। सबसीक्वेंटली लीज लायबिलिटी के साथ क्या करेंगे हम? इसका स्केड्यूल बनाएंगे, स्केड्यूल बनाने के बाद उसकी एंट्रीज करेंगे। तो अगर आप पूरे उसमें देखें, और ये हमें पता है कि जब हम कैश लेते हैं तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे कैश देंगे तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे रहे होंगे। आगे नॉर्मल है, पहली एंट्री आपने सीख ली ना कि जब आप लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो राइट ऑफ यूज एसेट को डेबिट करना है। फिर तीन चीजें हैं जो एसेट को डेबिट करेंगी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, प्रोविजन प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग और एडवांस पेमेंट्स। इससे एसेट डेबिट होगा और तीनों चीजें ये क्रेडिट होंगी और एसेट डेबिट। दिस इज इनिशियल एंट्री। जी सर, इनिशियल एंट्री फर्क समझ आ गया? जी सर, यानी कि लीज लायबिलिटी वाला डायरेक्ट एसेट जी, आईडीसी और एडवांस एक ही चीज ही होगी सर? नहीं नहीं, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, आपको एसेट लीज पे लेते हुए कमीशन देना पड़ता है, आपको लॉयर की फीस पे करनी पड़ती है, आपको कोई बैंक के चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसको कहते हैं इनिशियल डायरेक्ट चार्जेस। अल्लाह के बंदे, ठीक है जी। इनिशियल एंट्री क्लियर है, बाकी आगे नॉर्मल है। एक बड़ी मजे की बात ये लाजमी समझ लें, अगर गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू होगी, ये नॉर्मल रेजिडुअल वैल्यू की तरह ट्रीट करना है, आपने राइट ऑफ यूज एसेट में से इसको माइनस करना है और फिर डेप्रिशिएट करना है, ये याद रख लें प्लीज प्लीज प्लीज। तो लेसी की अकाउंटिंग में आपने एक रेजिडुअल वैल्यू और ये लाइफ, ये दो पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखने, यानी कि अगर गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है तो एसेट में से पहले इसको लेस करेंगे फिर आप डेप्रिशिएट करेंगे। लेट्स से एक स्ट्रेट लाइन है तो यूजफुल लाइफ पे आपने डिवाइड कर दिया। क्लियर? क्लियर सर। डेप्रिसिएशन और रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट याद रहेगा? यस सर जी। दूसरा भाई सर, कोई समझ आ रही है? चल जी आगे चलें। चलें सर, यहां पे एक चीज रह गई थी, ये
जब आप एसेट की कैलकुलेशन करके खड़े होंगे ना, लेस इंसेंटिव, अगर उसी वक्त इंसेंट लेसर आपको कोई इंसेंटिव दे दो उसी वक्त, ये इंसेंटिव रिसीव्ड है ये याद रखिएगा, उसी वक्त लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर इंस्टॉलमेंट के साथ उसे इंसेंटिव मिलता रहेगा, दैट इज रिसीवेबल, हियर इट इज रिसीव्ड। ये लीज की टर्म्स एंड कंडीशन तय करते हुए उसी वक्त एक इंसेंटिव मिल गया है, तो जो एसेट का टोटल आएगा उसमें से इस इंसेंटिव को लेस कर देंगे। अब फाइनेंस लीज की डिस्कशन क्लोज होगी लेसी की, क्लियर जी दोस्तों? अब इसका देखते हैं सवाल, ये कोई सवाल है तो बताएं, ये मैंने इसकी नरेशन भी सेव कर ली जी। अब इसको अप्लाई करें सवाल के ऊपर जी सर। अब मुझे बताएं क्या सवाल मैं लिख के करूं कि एनिमेशन से चलने दूं? चलने दे सर, चलने दे। नहीं एनिमेशन से के लिख के? कोई सर एनिमेशन से कर, चलो जी एनिमेशन से करते हैं। आइए फिर 16 का जो हमने लेसी पढ़ा, लेसी का फाइनेंस लीज, इसका सवाल करते हैं। ये मेरे पास सवाल है, स्केड्यूल बनाना है, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू तो पहले बनानी पड़ेगी, दूसरे नंबर पर स्केड्यूल आ गया, फिर एक्सट्रैक्ट आ गया, फिर एंट्रीज आ गई, वही सेम चार चीजें भैया जी, चार चीज नहीं दो दफा ही आएगा ना चीजें जो रिक्वायरमेंट में, ठीक है? पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एबीसी लिमिटेड लीज एन एसेट टू एक्स वाई जेड लिमिटेड, इसके मतलब एक्स वाई जेड ने ये लीज पे लिया है तो ये एक्स वाई जेड की बुक्स में आएगा। फॉलोइंग आर द टर्म्स ऑफ लीज फर्स्ट जनवरी 2016, फर्स्ट जनवरी 2016, ये मेरा काम स्टार्ट हुआ यहां से, ठीक है जी। लीज पीरियड इज 10 ईयर्स, लीज पीरियड है 10 साल, एनुअल इंस्टॉलमेंट इज 5 लाख एडवांस, इंस्टॉलमेंट कितनी है 5 लाख। और ये एडवांस है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है 2 लाख, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 2 लाख। लीज इंसेंटिव टू लेसी फॉर एंटरिंग इनटू लीज एज अ कमीशन, उसको लीज के एंटर होने पे उसने कमीशन दिया, ये इंसेंटिव रिसीव्ड है, उसी वक्त मिला, उसने ये कहीं नहीं कहा कि हर इंस्टॉलमेंट के आगे इंसेंटिव मिलता रहेगा, ये मैं कर देता हूं इंसेंटिव रिसीव्ड, ये शॉर्टकट वाला रिसीव लिख देता हूं 5,000। रेट कितना है 5%, रेट है जी 5%। ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म फॉर 5 ईयर्स, ये ऑप्शनल पीरियड में हमने देखना है क्या ये लेसी सर्टेन है, एट द कमेंसमेंट डेट लेसी कंक्लूड दैट इट इज नॉट रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज ऑप्शन, सर्टेन नहीं है तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए इररिलेवेंट हो गया। अगर लेसी सर्टेन होता फिर हम 10 में ये 5 ऐड कर दे तो हमारे लिए लीज टर्म हो जाता 15 साल, अब चूंकि ये सर्टेन नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। यूजफुल लाइफ है 12 साल और ईयर एंड है 31 दिसंबर, यूजफुल लाइफ है जी 12 साल। ये हमारे पास आ गया डाटा, इंस्टॉलमेंट 5 लाख ये हमने लिखी, लीज टर्म 10 साल, ये एन हमने ये 10 लिखा हुआ है, रेट 5%, ये हमने 5% लिख लिया, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ये हमने 2 लाख लिख ली, इंसेंटिव रिसीव्ड 50,000 है 5,000 है, इंसेंटिव रिसीव्ड 50,000, सॉरी मैंने 5,000 लिखा, ये जी 50,000 है। ये डाटा आ गया मेरे पास सवाल से। अब मुझे पता है
फॉर्मेट क्या है? एडवांस पेमेंट, डाउन पेमेंट प्लस रेगुलर पेमेंट एनुइटी फैक्टर के साथ, यूनिक पेमेंट्स डिस्काउंटिंग फैक्टर्स के साथ। ये तो यहां से निकल जाएगा। लीज के एंड पे भी कोई पेमेंट नहीं है, इसका मतलब सिर्फ रेगुलर पेमेंट रह गई। ये मैंने फार्मूला लिख लिया एनुइटी फैक्टर। अब एडवांस है तो एन हो जाएगा एन माइनस वन के, एन हो गया एन माइनस वन, ये हो गया माइनस नाइन, 5% रेट आ गया और 5 लाख एडवांस मैंने इधर से निकाल दिया, ये मेरे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू यानी कि लीज लाइबिलिटी आ गई। इसकी मैं सबसे पहले एंट्री करूंगा लीज लाइबिलिटी राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट 3553911, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 3553911। यहां तक बताएं पहली एंट्री तक, क्या ये क्लियर है? इकट्ठे भी कर सकते हैं एंट्री, कोई मसला नहीं। अब मेरे पास इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ये लाइबिलिटी की वैल्यू होगी, लाइबिलिटी में ये मैंने लाइबिलिटी की फिगर डाल दी एसेट में। फिर एडवांस पेमेंट थी 5 लाख, इसकी एंट्री होगी राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। फिर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 2 लाख, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट कैश क्रेडिट लेस इंसेंटिव। अब मेरे पास टोटल हो गया, ये मैंने अलग अलग समझा दिया, अभी इकट्ठी एंट्री करते हैं। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट क्रेडिट क्या क्या हुआ? लीज लाइबिलिटी 3553911, एडवांस पेमेंट हो गया 5 लाख, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हो गया 2 लाख। एक काम करते हैं, इसको एडजस्ट कर देते हैं, 1,50,000 कर देते हैं, 2 लाख माइनस 50,000 इंसेंटिव। इन दो तीनों का टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 4,20,3912, इनिशियल एंट्री आ गई। इनिशियल एंट्री के ऊपर कोई सवाल है तो बताएं। पहले लीज लाइबिलिटी को लेगा इनिशियल राइट ऑफ यूज एसेट में, फिर तीन चीजें इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, एडवांस पेमेंट और प्रोविजन, इन तीन में से जो होगा ऐसा डेबिट और ये तीनों चीजें क्रेडिट, दैट्स इट। दिस इज इनिशियल एंट्री ऑफ फाइनेंस लीज ऑफ लेसी। जी इनिशियल एंट्री के ऊपर सवाल कोई? इनिशियल एंट्री के ऊपर सवाल कोई बताएं भाई? नहीं सर कोई सवाल नहीं है। जी दोनों को क्लियर है? क्लियर 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 सर। अब जब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, प्रेजेंट वैल्यू से आगे इनिशियल एंट्री, मेरे पास स्केड्यूल बनेगा प्रेजेंट वैल्यू से, दैट इज दिस अमाउंट 3553911, ये मैं आ गया स्केड्यूल पे। रेट मेरे पास 5%, वही फॉर्मेट हमारा, ये मेरे पास इस रेट पे आ गया वो वाली अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू। आप देखिएगा इनिशियल एंट्री के बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा। होता क्या था, एडवांस पेमेंट में हम क्या करते थे, एडवांस पेमेंट में हम यहां पे उस इंस्टॉलमेंट को माइनस करते थे, क्योंकि इस प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए एज इट इज ये ऐड किया होता, पहले ऐड करते थे फिर निकाल देते थे। अब जब ऐड ही नहीं किया तो निकालेंगे नहीं, ये ब्लैंक आ जाएगा। अगले साल के शुरू में जब गए 1/1/17 पे, यही अमाउंट मेरे पास आ गई ओपनिंग, इसके साथ मैंने लगाया रेट, ये आ गया इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट निकाला तो मेरे पास आ गया ये प्रिंसिपल, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग। और इसी तरीके से हमने हर साल की कैलकुलेशन कर ली। स्केड्यूल कुछ याद है? मुझे याद है जरा जरा, ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू से बनाया स्केड्यूल,
स्केड्यूल बनाने में कोई मसला? स्केड्यूल बनाने में कोई मसला? प्रेजेंट वैल्यू और स्केड्यूल, इसमें क्या कोई फर्क है? पैटर्न हमारा सेम चल रहा है जी, बताएं फिर आगे चलें। जी सर। जी ओके सर, आगे चलते। चले जी आगे चलते हैं। अब हमें पता है कि हमने 2016 के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, सेम पैटर्न। अगर आप लोगों को याद हो एडवांस के केस में क्या करते थे, एडवांस के केस में हम उस साल के नीचे वाला बॉक्स उठाते थे, ये आ गया इनकम स्टेटमेंट। ये टोटल, ये करंट, इनका टोटल नॉन करंट, करंट एसेट वहां पे होता था, ये लायबिलिटी है, तो ये लीज लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, इनका टोटल इसके बराबर, तो हम ये कह सकते हैं ये लायबिलिटी, ये नॉन करंट लायबिलिटी। हम चलते हैं एक्सट्रैक्ट्स में। कंपनी मेरे ख्याल में जिसने लीज पे ली थी वो एक्स वाई जेड थी। स्टेटमेंट का नाम एक्सट्रैक्ट एज एड, कौन सा है जी साल, एक एक सोलह पे खड़े हैं तो ये बन जाएगा 31 दिसंबर 2016, नहीं ये तो 31 सौ आ रहा है ना, 2016 रुपीज एंड थाउजेंड्स कर लिया। हमारे पास एसेट किस पे रिकॉर्ड हुआ था, ये एसेट की वैल्यू, एसेट की वैल्यू जी 4 लाख, ये कितने, 42,03,912, ये 420,3912। डेप्रिशिएट किस पे करना है, दो लाइफ है मेरे पास, लीज टर्म है 10 साल, यूजफुल लाइफ कितनी है 12 साल। अगर मैं इस क्वेश्चन में के देखूं तो कहीं पे ऐसा नहीं है कि या ये ट्रांसफर हो जाएगा या ये परचेज कर लिया जाएगा। अगर ऐसा होता तो मैं पकड़ता यूजफुल लाइफ। जब ये दोनों नहीं है तो अर्लियर आप जो लीज टर्म या यूजफुल लाइफ में से पहले खत्म होगी उस पे लेना है, तो 10 और 12 में से पहले खत्म होगी 10, तो मैं एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा 10 पे, 420,9 नहीं 4203911 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गई 420391। डेप्रिसिएशन एसेट में से निकाल दूंगा, मेरे पास आगे कैरिंग वैल्यू, और मजे की बात इसी को मैं डेप्रिसिएशन में ले आऊंगा। करंट नॉन करंट, नॉन करंट पोर्शन ये वाला आ गया 3231607, करंट पोर्शन ये वाला आ गया 3222304, और इनकम स्टेटमेंट में जब आएंगे एडवांस में अगले साल का इंटरेस्ट भी हमारा पेबल रिसीवेबल के तौर पे आता है, क्योंकि अभी हम 31 दिसंबर पे खड़े हैं, 31 दिसंबर 2016 पे, और हमने अगले साल की पहली तारीख को ये लेना है, अक्रू हो गया बट लिया नहीं, या देना है अक्रू हो गया पे नहीं किया, इसका मतलब ये भी हमारे पास पेबल में आएगा एज अ करंट पोर्शन। जो डेप्रिसिएशन यहां पे चार्ज की वो डेप्रिसिएशन हम यहां पे भी ले आएंगे ये वाली, और इंटरेस्ट हमारे पास ये आ गया 177696, ये हमने इंटरेस्ट यहां पे इनकम स्टेटमेंट में पंच कर दिया। अगर आप देखें प्रेजेंट वैल्यू से चलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है, जो कैलकुलेशन है, वो सारी चीजें सेम है, यहाँ पे फर्क सिर्फ ये है इनिशियल एंट्री कैलकुलेट करने के लिए एडवांस पेमेंट नहीं लेनी, दैट्स इट। फिर हमने स्केड्यूल देखा, ये सेम है, एडवांस पेमेंट अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू में नहीं ली थी तो यहाँ पे भी नहीं ले रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने एक्सट्रैक्ट में जाके देखा, ये भी 100% सेम है, तो इनिशियल एंट्री के बाद सेम हो गया। हमने ये वाली इनिशियल एंट्री कर दी थी, इतने से एसेट डेबिट लाइबिलिटी, और ये एडवांस पेमेंट, ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, और ये इंसेंटिव लेस कर दिया, ये मैंने क्लब करके
एंट्री कर दी, उसके बाद नॉर्मल है, मैंने जब ये इंस्टॉलमेंट दी है, ये भी दिया ये भी दिया, मैंने जब कैश दिया तो ये भी दिया ये भी दिया। एडवांस के केस में क्या होता था, साल के एंड पे जब 31/12/16 पे खड़े होते थे, आप 1/1/17 पे जब जाएंगे तो आपने इंटरेस्ट को पे करना, तो इसका मतलब इंटरेस्ट अक्रू हो चुका था, तो हम इंटरेस्ट पेबल की एंट्री करते थे, एक्सपेंस टू पेबल, वही स्केड्यूल से हमने ये फिगर उठा के ये एंट्री करनी होती थी, ये भी वही है। अब मेरे पास एसेट आ गया है, जो डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, तो अगर देखें तो यहां पे सिर्फ ये डिफरेंट है, बाकी हर चीज सेम है, एंड वी आर डन विद लीज अल्हम्दुलिल्लाह। जी कुछ समय तो नहीं आई आगे सर, कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्या है बताएं, एक्सट्रैक्ट में, कैजुअल में, एंट्रीज में, प्रेजेंट वैल्यू में, डिफरेंस इनिशियल एंट्री के अलावा बताना है। भाई बताएंगे या मैं बताऊं सर? पहले आप बता दें। बताएंगे मैं बताऊं? पहले आप बता दें सर, इन लेसी से डिफरेंस बताना है या इनका आपस में डिफरेंस बताना है? नहीं, मैंने कहा था सिंपल लेसर, डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर और फाइनेंस लीज में लेसी, इन तीनों को हमने एक ही पैटर्न से करना है इनिशियल एंट्री को छोड़ के। इनिशियल एंट्री का सेम है कि नहीं ये बताएं? सेम है सर, तकरीबन सेम ही है, वो डेप्रिसिएशन आ जाती है बीच में बस। यार वो तो एक छोटी सी एंट्री है ना, यहाँ पे अब डेप्रिसिएशन पूरा थोड़ी टच करेगा। जी वही तो कह रहा हूँ सर, बाकी सेम है, ठीक है ना। और इनिशियल एंट्री इसकी समझ आ गई? हाँ जी सर। तो सुनाओ फिर, ये तो खत्म हो गया लीज, क्या करें अब? सैटरडे तो नहीं आना होगा? मैं सोच रहा हूँ कल ऑफ कर दूं। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। नहीं, मैं उसकी रीजन बताता हूँ, रुके जरा। टीचर का एक प्लान होता है, उसको उसके हिसाब से चलाते हैं। अब चूंकि हम ये खत्म कर चुके हैं, हम ये खत्म कर चुके हैं, आपने क्या करना है, आपने करना है जी, एक चीज, जब पास पेपर आप लोग कर लेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे नोट्स। वैसे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ जो हम करते हैं, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, ताकि ये ट्रायल्स पे जाना है और आप लोगों ने पास पेपर्स भी करने हैं तो ये जरूरी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्या कहते हो अमाद? 5 मिनट लगेंगे, लगाएं और सर लगा लेते हैं। हाँ, वो फिर ये है कि फिर ये होगा कि फिर सारे पास पेपर डूएबल हो जाएंगे। एक हमने सवाल किया था सिंपल लेसर का, उसको यूज करते हुए सर इसे जो होगा ना पास पेपर तो हो जाएंगे इसके साथ सारे। नहीं, वो मैं एक सिर्फ गाइडलाइन दे देता हूँ, ये मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं हल नहीं करवा रहा, गाइड कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है। एरियर का सवाल है, ये मेरे पास अगर सवाल है, जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वैसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, नंबर वन। अच्छा, मजे की बात, जैसे हम कर रहे हैं इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, जैसे हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की, हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, इसको हमने अरेंज कर देना, ये आगे अरेंजमेंट। यहां तक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सीक्वेंस देख लें जरा, ये एमएलपी है, ये यूजीआर भी है, मिला के ग्रॉस हो गया। ये है प्रेजेंट वैल्यू यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ पे आ गई, डिफरेंस आ गया अनर्न्ड। मजे की बात है, ये सारा हम करते हैं, ये हमने ग्रॉस निकाला, ये हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ये हमने अनर्न्ड निकाला, इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में अरेंज कर दिया, क्या हम ये कर लेंगे? इसको कहते हैं रिकंसिलिएशन, इसको क्या कहते हैं? रिकंसिलिएशन। क्या ख्याल है, मुश्किल बात है सर? मुश्किल बात है?
मुश्किल बात है। अच्छा, अब नो जैसे सर, स्केड्यूल बनता है, ये स्केड्यूल भी नोट होता है, ये देख रहे हैं नंबर दिया मैंने, अगर मैं वहां पे चलूं प्रेजेंट वैल्यू पे, यहां पे भी नोट है 1.4, 1.5। इसका मतलब दो नोट ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी बनाते हैं, क्या मैं सही कह रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू का और स्केड्यूल का बनाते हैं ना। ये अगर देखें प्रेजेंट वैल्यू, ये हम करते तो हैं, ये यहां पे कर दिया, ये यहां पे, यहां पे, इन तीनों को उठा के एक सीक्वेंस में डाला है, दैट्स इट। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को यूज करते हुए एक चीज यहां पे ऐड होती है कि जिस साल में आप खड़े हो, लेट्स से कि आप 31 दिसंबर 2011 पे खड़े हो, इस रिकंसिलेशन ने अमेंड होना है कैसे, ये दो फिगर्स जो हैं ये अमेंड होंगी, कैसे अमेंड होंगी मैं दिखाता हूं, ये हमने बता दिया नोट। अमेंड कैसे होंगी, बेसिकली यहां पे एक आएगा न्यू कॉलम, न्यू कॉलम में ये आएगा कि इस इंटरेस्ट में से आप कितना इंटरेस्ट अर्न कर चुके हैं, ये, अरे यार किधर गया, ये इंटरेस्ट आप अर्न कर चुके हैं, ये मेरे पास आ जाएगा यहां पे अर्न अर्न के सामने, और फिर तीसरा कॉलम बन जाएगा बैलेंस का, ये मैंने अरेंज कर दिया। न्यू कॉलम में इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट आप ले आए कहां पे, इंस्टॉलमेंट ले आए आप यहां पे, इंटरेस्ट ले आए यहां पे, और कर दिया बैलेंस का कॉलम, दैट्स इट, रिकंसिलेशन हो गई। डे वन पे अरेंज कर दिया, जिस साल आप खड़े हैं उस साल तक के इंटरेस्ट और उस साल तक की इंस्टॉलमेंट वो आपने लेस कर देनी और बैलेंस आ जाएगा, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। ये देखो ना, 1 लाख है इस रिसीवेबल में से, 3 लाख 10 हजार में से 1 लाख निकालो, यहां पे आ जाएगा 1 लाख, बैलेंस 2 लाख, बस मुश्किल बात नहीं है, आसान बात है। इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कितना है, 30,103, 30,103, ये मैं 64,000 में से निकालूंगा तो ये बन जाएगा कुछ 34 समथिंग, बस आ गया बैलेंस आ गया सबके, बस ये करना है। मतलब जिस साल पे आप, जब 2011 तक खड़े थे, अगर आप 12 पे खड़े होते फिर आप क्या करते, फिर आप यूं करते, अब 13 पे खड़े होते फिर आप यूं करते, मुश्किल बात है। मुश्किल बात है जी। नहीं सर, आसान ही है। अच्छा, अब इसका मतलब हमने प्रेजेंट वैल्यू और स्केड्यूल के साथ खेल लिया। अब मजे की बात एक होता है मेच्योरिटी एनालिसिस, मेच्योरिटी एनालिसिस ये सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है, और इस फॉर्मेट में आपने क्या करना होता है, आपने बताना होता है स्केड्यूल से कि जहां पे आप खड़े हैं, जहां पे आप खड़े हैं, लेट्स से कि मैं 2011 पे ही खड़ा हूं, अगले 1 साल में कितना रिसीव करना है, अगले उससे अगले साल में कितना रिसीव करना है, उससे अगले साल में कितना रिसीव करना है, उससे अगले साल में कितना रिसीव करना है, अलग अलग, पहले साल में कितना रिसीव किया ये फर्स्ट ईयर, दूसरे साल में कितना रिसीव करना है सेकंड ईयर, तीसरे साल में थर्ड ईयर, चौथे साल में फोर्थ ईयर, बस ये फिगर्स उठा के यहां पे डाल दें, पहले साल में, दूसरे साल में, यहां पे यहीं तक था, 2011 पे मैं खड़ा हूं तो पहले साल में मैंने 1 लाख लेना है, अगले आने वाले साल में जहां पे आप खड़े हैं, जो रिसीव कर लिया वो नहीं, जो रिसीव कर लिया आपने, रिसीव कर लिया ये नहीं, जहां पे आप खड़े हैं 31 दिसंबर 2011 पे, उससे आगे आने वाले 1 साल में कितना लेना है, दूसरे साल में, पहले साल में ये लेना है, दूसरे साल में ये लेना है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये एक सिंपल सा मेच्योरिटी एनालिसिस होता है, ये भी कोई मुश्किल बात तो नहीं है। जी
बताएं। ठीक है सर। उसके बाद एक सिंपल सी चीज होती है ये वाली, लीज बता दो कौन सी है, कुछ अहम चीजें बता दो, रेट क्या है, एरियर में है, कितना टाइम है, कितनी इंस्टॉलमेंट है, पर ईयर है, पर एनम है, ये डिटेल गिवन है, ये एक डेढ़ लाइन में आ जाएगी। फॉर द ईयर, ये है फॉर द ईयर डाटा, फॉर द ईयर इंटरेस्ट कितना था, फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी थी, फॉर द ईयर कैश फ्लो कितना हुआ, यानी कि एक इस साल में रेंट इतना गया, डेप्रिसिएशन इतनी हुई, इंटरेस्ट इतना हुआ, ये 30,000 समथिंग था, ये फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन, फॉर द ईयर इतनी, इंटरेस्ट इतना, टोटल कैश फ्लोज इतने, राइट ऑफ यूज एसेट कॉस्ट इतनी थी, डेप्रिसिएशन लेस करके कैरिंग अमाउंट इतनी, बस नोट्स डन। ये नोट्स हैं भाईजान, क्या मुश्किल है इसमें, कोई चीज मुश्किल थी? नहीं सर ठीक है, जी। अब एक बात बताएं, अगर लेसर होगा, लेसर में डेप्रिसिएशन नहीं होगी, लेसर में कैरियिंग अमाउंट डेप्रिसिएशन नहीं होगी, लेसर में क्या होगा, फॉर द ईयर में सिर्फ इंटरेस्ट होगा। नंबर वन, इस फॉर द ईयर वाले नोट में लेसर में क्या आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट आएगा। अब करना क्या है, लेसर में ये वाला सेक्शन नहीं बनाना, और लेसी में रिकंसिलेशन नहीं बनानी, यानी कि ये जो पूरे नोट्स हैं ये लेसर और लेसी के लिए कंबाइंड है, हर चीज सेम है, लेसी के लिए फॉर द ईयर है, लेसर के लिए रिकंसिलिएशन है, यानी कि मैं जब लेसी का बनाऊंगा तो फॉर द ईयर बनाऊंगा ये नहीं बनाऊंगा, लेसर के लिए बनाऊंगा तो रिकंसिलिएशन बनाऊंगा ये नहीं बनाऊंगा, क्या ये मुश्किल बात तो नहीं है? No. बस खत्म हो गया, अब तो 100% खत्म हो गया लीज। थैंक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो माइंड पे, यू। सबसे एंड पे जी बताएं, क्लियर है? क्लियर सर जी सर। कोई नोट्स मुश्किल तो नहीं है, रिकंसिलिएशन मुश्किल तो नहीं है, मैच्योरिटी एनालिसिस मुश्किल तो नहीं है, और ये जनरल इंफॉर्मेशन मुश्किल तो नहीं है, ये वाली नहीं सर, सिंपल है ये तो, सिंपल चीजें हैं सर। असल ये कि एक दफा आप डिस्कस हो गया ना, आप टीचर की तरफ से डिस्कशन हो गई है, तो अब मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को फायदा हो जाएगा, क्या ख्याल है? जी सर बिल्कुल सर बिल्कुल। अब आते हैं, ये मैंने साथ साथ ट्यूटर नोट भी डाल दिए ताकि अगर किसी को मसला हो तो वो यहां से भी देख सकता है। ला 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 लीज, अब आप क्वेश्चन नंबर आपने ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन छोड़ यार, मात वो दूसरी लिस्ट की तरह जिसमें हमने अपडेटेड बनाया था, ये वाली थी आई थिंक सर यही थी, मैंने वो आपको सेंड भी की थी। चलें एक काम करते हैं, आप वो लिस्ट दोबारा ग्रुप में भेजें, नंबर वन, नंबर टू, सिर्फ याद जी ये जी याद रखना है कि ये दो सवाल नहीं करने, स्प्रिंग 19 क्वेश्चन वन भी, ऑटम 19 क्वेश्चन फाइव वन, ठीक है? ओके हो गया आप बल्कि एक काम करते हैं ना, अभी यार अभी उनको डालना है दरमियान में, ये जो ग्रीन कलर में है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह सवाल आपने कल परसों और तरसों, फ्राइडे सैटरडे संडे करने हैं, मंडे को मिलेंगे फिर, ये 3 दिन में जिसने 12 सवाल कर लिए, 20%
उसके हाथ में टॉपिक होगा, 20% ऑफ सिलेबस, ये 20 नंबर का टॉपिक है। मंडे से फिर हम अपनी मजीद एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये मेरी गारंटी है कि इंशाल्लाह जब आप ये 12 सवाल करेंगे आपको किसी सवाल में कोई मसला नहीं आएगा। यहां पे देखें सॉल्यूशन नीड्स टू बी अपडेटेड का मतलब ये है कि वहां पे आपको पुराना सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें एडवांस पेमेंट लीज लाइबिलिटी में डाली हुई है, आपने वो नहीं करना, आपने अपडेटेड तरीके से करना, ये पुराने सवाल है। बात समझ आ गई? वहां पे पहले क्या होता था, डाउन पेमेंट ऐड होती थी, जैसे मैंने लॉजिक हमाद आपको लॉजिकली करके भी दिखाया ना कि काम वही हो रहा है। जी जी सर, ऐसे ही है ना, काम वही हो रहा है। उसने एक स्टूडेंट की एक हजल बचाई, एक एंट्री कम कर दी। तो ये जी दो जी सवाल करते हुए आपने क्या करना है, ये दो नहीं है, तीन है, ये भी है। आपने डाउन पेमेंट को अलग करना है जैसे मैंने अभी पढ़ाया है, और आपने ये 12 सवाल, मेरी गारंटी है इंशाल्लाह आपके ये 12 के 12 इजीली हो जाएंगे, और फिर हम मुलाकात करेंगे मंडे। डन जी, वी आर डन विद लीज अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ फाका हुआ? अब ट्रायल भी खत्म हो गया, पब्लिक भी देखेंगे, हमारे स्टूडेंट्स भी देखेंगे, तो इंशाल्लाह फिर वी विल वेलकम मोर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, क्लियर है? कोई जिशान लीज पे कोई कॉन्फिडेंस बना? जी सर, क्लियर है। हाँ जी अमाद भाई, आपका कंप्लीट हो गया पीछे से? जी सर। अमाद यू नो, मैंने भी बस ये पास पेपर कर देंगे। जी सर ठीक है, मैं आपको फिर अभी कॉल भी कर लेता हूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर मंडे को, कल, परसों, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड ये 12 के 12 आप करें, ये हो जाएंगे, क्लास नहीं होगी। बट प्लीज नोट दैट कि हमारी 5 डेज अभी क्लास है पोस्ट रिजल्ट में। जब भी मुझे लगेगा कि मैं टारगेट से पीछे हूँ, हम स्लो चल रहे हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, तो वी विल ऑन सैटरडे और संडे या सैटरडे एंड संडे, जब भी जरूरत होगी हम सैटरडे संडे ऑन कर सकते हैं और करेंगे। ठीक हो गया इस टॉपिक, ओके सर, हमने ये कर लिया, आप लोग पास पेपर करें, ये हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन पास पेपर्स में जो जो मसला हो सकता है वो हमने लेक्चर्स में कर लिया। और सर मंडे को कौन सा टॉपिक शुरू होगा? मंडे को हम करेंगे, अगर आप प्लान तो देखें एक दफा, हाय ऐसे ना करें, ये देखे ना, जुल्म कर दिया ना फिर लड़के। दिस इज आवर प्लान, ये कोर्स कवरेज प्लान पोस्ट रिजल्ट बैच, ये है ना। ये देखो 28 नवंबर क्या है जी तारीख, 28 संडे। वाह सुभान अल्लाह यार, कैसा मैं एक्यूरेट बंदा हूँ अमाद साहब। ठीक हो गया, 15 से 28 लीज, 29 से IFRS 9 स्टार्ट होगा। ओए होए होए, क्या आइडियल चल रहा हूँ, 29 से IFRS 9, ये सीक्वेंस है। ये भी फाइनेंशियल, अब हमने ये भी जल्दी एक बड़ा टॉपिक कर लिया, सुनो सुनो जरा, बड़ा टॉपिक कर लिया। अब ये 2 से लेकर 6 तक ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये हम इनशाला 20-22 दिनों में खत्म करेंगे। 5 टॉपिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, okay. एक बड़ा टॉपिक हो गया, दरमियान में ये छोटे टॉपिक फटका देंगे, फिर हमारे पास जो टाइम होगा फिर हम ये सारे बड़े टॉपिक्स करेंगे। तो दिस इज द प्लान टाइम लेंथ के साथ, और इंशाल्लाह 12th फेब को हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, कल क्लास फिर नहीं करेंगे, मंडे को मिलते हैं हम, हमने लीज कंप्लीट कर ली है, मुलाकात होती है मंडे को। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।